मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों, ये तस्वीरें जो दिखा रहा हूं मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर, जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट की तस्वीरें हैं। और सामने खड़े हैं ये जटिया समाज के जिला अध्यक्ष और अन्य सदस्य खड़े हैं। अब बाड़मेर में जटिया समाज की जल्दी ही बालिका छात्रावास बनने के लिए जा रही है चौटन रोड पर, तो इसको लेकर जटिया समाज के अध्यक्ष भवरलाल जी रेगर और जटिया समाज के टीम के सदस्य, उनसे बात हुई है। उन्होंने क्या बताया है, कब बन रही है बालिका छात्रावास और कहां पर बन रही है और कितने बजट से बन रही है और ज़मीन किसने भेंट की है, उनसे बात करते हैं। तो एक बार शेयर कर दो, फिर अपन बाड़मेर जटिया समाज के जिला अध्यक्ष और सदस्यों से करते हैं बात। फटाफट उससे पहले एक बार इस पोस्ट को शेयर करो साथियों। सर, क्या मामला है, कौन सी जमीन है, क्या जमीन है और हुआ क्या है, पूरा बताओ। हमारे नगर परिषद और हमारे समाज में कोई विवाद चल रहा था, भूखंड 115x58 फुट 8 इंच, तो उसमें क्या 2012 से आपस में केस चल रहा था नगर परिषद, समूह राम जी हमारे बुकुलिया है हमारे समाज का, तो वो आज उसका मतलब लोक अदालत में फैसला हुआ है। दोनों नगर परिषद और शंभू राम जी ने यह फैसला लिया कि ये हम जटिया रेगर समाज कन्या छात्रावास के दिए जमीन दे रहे हैं। तो मैं तो धन्यवाद ये देता हूँ बोकुलिया परिवार को, शंभू जी को और हमारी थोड़ी बहुत मेहनत की नगर परिषद को, सभापति दीपक जी माली को और नगर परिषद पूरी टीम को और हमारे समाज के बोकुलिया परिवार को पूरे के देता हूँ। जैसे कि शंभू जी का परिवार है इधर हमारे सहयोग में, बलदेव है, चंदन जी जाटोल है, ये टीम सारी, रमेश जी है, श्यामलाल जी सुहास है, कि ज़्यादा से ज़्यादा भूमिका हमारे को, मतलब हमारे को कोई मालूम नहीं था ये, तो श्याम जी सुहास ने हमारे को बोला कि ये मेरे थोड़ा बहुत धर्मिला भी है तन में है, तो मैं ये बात वो चलाई और एक महीने से हम इस बात को नगर परिषद कोर्ट में और इधर उधर घूम के आज हमारे को जटिया रेगर समाज को बहुत खुशी है। वो ज़मीन आज करोड़ों की ज़मीन हमारे कन्या छात्रावास के लिए, मतलब शिक्षा के लिए समृद्ध की है, तो मैं तो नगर परिषद और बोकुलिया परिवार को पूरी रेगर जटिया समाज की तरफ से इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। अपन अध्यक्ष से बात करेंगे। सर, ये अब जमीन आपके खाते में आ गई है, अब इसमें कन्या छात्रावास के लिए कब निर्माण शुरू होगा? निर्माण हमारे सोमवार को लगभग हम साफ सफाई इसका जो मतलब काम शुरू कर देंगे, ये 14 तारीख को काम शुरू कर। तो उससे पहले समाज की कोई बैठक बैठक होगी? बैठक तो वही हुई है फाइनल, पहले बैठक 5 बैठक ले ली है, हमारे निर्णय लिए हुआ है, समाज के तरफ से कोई अंतराज है नहीं, ये थोड़ा बहुत केस का था तो केस का अभी फाइनल हो गया और नगर परिषद और शंभू जी बुकुलिया परिवार ने राजीनामा लिख दिया, तो नगर समाज काम करवा सकती निर्माण, मतलब इसको इस छात्र कन्या छात्रावास बनेगी तो इसके लिए चंदा भी इकट्ठा करना पड़ेगा, तो समाज से आप क्या क्या अपील करना चाह रहे हो? समाज से यही अपील करना चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दानदाता बने, इसमें सहयोग करें, तो मतलब बेवे मंजिल बनेगी छात्रावास, बच्चियों के लिए शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? शंभूराम। शंभूराम जी, कौन सी जमीन थी, आपने वो जमीन किसको दी और आप कौन से किससे आपके जीते हो? यहाँ की ये जमीन मेरे दादा मुणाराम जी बुद्धाराम के नाम की थी, ठीक है ना, जो चौटन रोड सनार्थ रखवाड़ के सामने थी, ठीक है ना। आज मैं ये जमीन जटिया समाज कन्या छात्रावास को दे दी है, जो पक्षी नाम है, ठीक है ना, जो कोर्ट में विवाद था मैं उसमें राजीनामा कर दिया, मेरा दावा मैंने उठा लिया। आपने अपना दावा उठा लिया? आपने किसके खिलाफ दावा किया था? मैं नगर पालिका के खिलाफ किया था और मेरे सामने समाज के प्रतिवादी थे, जो समाज के नाम से, ठीक है, उनको पदाधिकारी थे, उन्होंने अपना पद का दुरुपयोग करके हमारी जमीन में इंटरफेयर करने लगे। उसमें क्या, मैंने उसके ऊपर भाई उनको पाली बनाया था, ठीक है, तो और नगर पालिका का मेरे कोई विवाद ही नहीं था, ठीक है ना, तो इसीलिए समाज वाले हमारे कुछ भाई पद। कितनी जमीन है? जमीन 115 भाई, पूर्व पश्चिम 115 है और उत्तर दक्षिण 58 फीट 8 इंच है, ठीक है ना, ये कुल जमीन मैंने जटिया समाज को दे दी। आपकी पुश्तैनी जमीन थी ये? मेरे संपत्ति, मेरे दादा मुणाराम पैतृक संपत्ति थी।
ठीक है, चलो आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम शंभुराम सनो पूर्णमाराम गोकुलिया। ठीक है, धन्यवाद। रमेश जी, एक आज जमीन कन्या छात्रावास को मिली है आपके समाज को, तो क्या मामला है, ये क्या है जमीन? मामला एक्चुअल क्या है कि हमारे समाज में जटिया समाज को कन्या छात्रावास के लिए इनके परिवार ने जो जमीन अभी वर्तमान में दी, ये जमीन 2012 से विवादास्पद थी। नगर परिषद बोर्ड में पूर्व में जो डिसीजन हुआ था उसमें ये जमीन, आधी जमीन पर जटिया समाज के लोगों ने उसमें भी निर्माण कर लिया था, शेष जमीन नगर पालिका अलॉटमेंट की कार्रवाई उसमें कर दी थी। जब ये अलॉटमेंट में जब कार्यक्रम आई तो हमारे समाज के शंभू जी ने नगर परिषद को पार्टी बनाते और पदाधिकारी पार्टी बनाते उस पर दावा किया था कि जमीन मेरी है। इस संबंध में आज हमारे समाज के लोगों ने मिलकर एक आपसी समझौता करते हुए इस पूरे प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रेषित किया और यहाँ पर दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया, क्योंकि बड़े समय से मांग थी कि जटिया समाज के लिए सरकारी कन्या छात्रावास की जमीन सरकार के पास भी नहीं थी, जबकि हमारी अपनी पुश्तैनी समाज के लोगों की थी। इन्होंने बड़ा दिल दिखाया परिवार ने और ये संपूर्ण जमीन जो है कन्या छात्रावास के हित में देखते हुए जटिया समाज बाड़मेर को सुपुर्द किया और अपना दावा विड्रॉल किया है। इसमें जितने भी लोगों ने जो विषय किया वो सब वास्तव में धन्यवाद बधाई के पात्र हैं और अपेक्षा ये करते हैं कि नगर परिषद के जेल और पूर्णाराम गोरसिया ने जो विधि अधिकारी है उन्होंने इस पूरे प्रकरण को समझा, समझने के बाद उनको लगा कि वास्तव में ये निर्णय जो है समाज के हित में है और नगर परिषद के अलावा जितने भी जनप्रतिनिधि लोग रहे जो पूर्व कार्यकारिणी में रहे हो, चाहे पूर्व कांग्रेस के पदाधिकारी रहे हो, चाहे वर्तमान कांग्रेस के पदाधिकारी, इन लोगों ने बड़ा दिल दिखाया और नगर परिषद ने भी अपनी तरफ से हरी झंडी दे दी और मामला राष्ट्रीय अदालत में निपट चुका है और ये जमीन अब इसके आगे का जो प्रोसेस है जटिया समाज के पट्टे के आवंटन की कार्रवाई लेने के लिए प्रयासरत है। ठीक है, धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन जाटोल है। हाँ। महामंत्री श्री जटिया समाज सेवा समिति बाड़मेर। आज कुछ कहना चाह रहे हो आप इस जमीन को लेकर? ऐसा है, हमारा जो कन्या छात्रावास के लिए जमीन शंभुराम जी ने, उनके पूरे बाकुले परिवार ने जो समर्पित की है, वो नगर पालिका ने भी हमारे साथ बहुत अच्छा सहयोग किया है, इसीलिए मैं पूरे बाकुले परिवार को और नगर परिषद की पूरी कमेटी को और सभापति जी दीपक जी मौर्य साहब को और आयुक्त साहब को और गोरसिया साहब को पूरी कार्यकाल पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।